द्वारी ग्राम पंचायत के तिघरा टोला में आंगनबाड़ी केंद्र में समूह संचालक बच्चों को परोस रहा घटिया भोजन। शिक्षकों की शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही। चावल के साथ परोसा जा रहा है दाल का पानी लंबे समय से। द्वारी ग्राम पंचायत के तिघरा टोला में आंगनबाड़ी केंद्र में समूह संचालक बच्चों को परोस रहा घटिया भोजन। शिक्षकों की शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही। चावल के साथ परोसा जा रहा दाल का पानी लंबे समय से। हम आपको बता दें, मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को परोसा जा रहा घटिया भोजन। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के नाम पर चावल के साथ पानी में तैरती मिल रही दाल। द्वारी ग्राम पंचायत के तिघरा टोला के आंगनबाड़ी स्कूल का है हाल। हम आपको वहां का नज़ारा दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर समूह संचालक किस तरीके से घटिया खाना परोस रहा। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा सकते हैं। चंद पैसों के लालच में बच्चों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे समूह संचालक परोस रहे घटिया खाना। माना जा सकता है सिक्कों की खनक के अलावा समूह संचालक को और कुछ नहीं दिखाई दे। उन्हें बच्चों की सेहत से कोई मतलब नहीं, ना उन्हें कोई रोकने वाला ना ही कोई टोकने वाला। फिर भले चाहे वह जिससे शिकायत हो, आपकी मर्जी कर लीजिए, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसकी शिकायत कई बार हुई लेकिन कार्रवाई सिर्फ नियम कायदे को दरकिनार कर अपना मीनू अपना खाना बच्चों को दाल चावल दे दिया पर्याप्त। फिर वह कैसा भी हो, उनको इस बात से मतलब नहीं, बस कोरम पूरा होना चाहिए। ऐसा ही नजारा आप देख रहे हैं द्वारी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अमरोहा टोला तिघरा का, जहां संचालित विद्यालय के बच्चों को प्रतिदिन लंबे समय से सिर्फ पानी में तैरती हुई दाल और चावल मिलता है, जबकि प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई समूह संचालक पर नहीं हुई। आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण करने के दौरान शिक्षकों और बच्चों ने क्या कुछ कहा वह दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं खाना, किस तरीके का घटिया खाना परोसा जा रहा है बच्चों को। जब हमने बच्चों से और शिक्षकों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। बच्चों का साफ तौर से कहना था, हमें यह खाना लंबे समय से मिल रहा है, चावल और दाल का पानी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। साथ ही जब शिक्षकों से बात की गई तो उनका कहना था, हमने कई बार समूह संचालक से बात की, कई जगह शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनिए शिक्षक और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं इस खाने को लेकर। क्या नाम है आपका? दिकेश। ये यहाँ पर खाने में रोज आपको क्या मिलता है? दाल चावल। रोज? डेली रोज। दूसरा कुछ नहीं, पंजीरी वगैरह, अंडा वगैरह, ऐसा कुछ दोबारा कुछ नहीं मिलता? कब से मिल रहा है? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन से हो गया। दाल चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता? ना सर। नाश्ते में? नाश्ते में भी कुछ नहीं मिलता। नहीं ना। यहाँ खाने में क्या मिलता है रोज? दाल। बस, दूसरा कुछ नहीं मिलता? रोज दाल चावल खाते हैं आप? हाँ।